हरिः ॐ आयं दोः पृश्रीरगरामि दशधन्मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्व ॐ नन्दीश्वराय नमः। फिर फूल चढ़ा दे, पुनः वीरभद्र जी का ध्यान करें, हाथ में फूल ले लें। ओम भद्रं करणे विहे शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये मा च वृद्धायतराः स्थिरैरङ्गे सुष्टुवाग्गुंसस्तन गर्भाशे महिते वाहितं जदाय ओम वीरभद्राय नमः। पुष्प चढ़ा दें, पुनः पुष्प लें, स्वामी कार्तिकेय जी का ध्यान करें। ओम जत्रबाणाः संपतन्ति तुमारा विशिखा इव तन्न इन्द्र बृहस्पतिरादिति शर्मयश्च दुःशुभः शर्मयश्च तु। ओम स्वामी कार्तिकाय नमः। पुष्प चढ़ा दें, पुनः पुष्प लें, भगवान कुबेर जी का ध्यान करें। ओम भयको सोमव्रते तव मनस्थानो ओम जय शिवाय ओंकार भोले हर शिवाय ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भले नाथ महाशिव हर धांगे धारा ओम हर हर महादेव शिव एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे भोले पञ्चानन राजे हंसासन। आज पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा प्रारंभ हुई। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके इसकी पूरी तैयारी में है और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी हर वर्ष इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग देते हैं, इस साल भी पूरा सहयोग देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश भर के जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब यात्री आते हैं तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। मैं समझता हूँ कि यात्रा में जितने ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे यहाँ के लोगों की इकोनॉमी और बढ़ेगी। तो अगर रोड की बात करें, रोड सब ठीक है अभी? रोड ये सच है कि इस साल बर्फबारी बहुत हुई है, लेकिन BRO ने काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में रोड पूरी तरह से ठीक हो जाए। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।